My dear students, welcome to Meenakshi tutorial. Today I will explain you the human circulatory system, explanation part 1 of chapter 11, transportation in animals and plants of class 7th science. Let's begin the explaining the chapter. First topic, need of transportation system in plants and animals. एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है. फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, ऑक्सीजन, वाटर सो दैट दे कैन सर्वाइव. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको फूड चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए कि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. सेकेंड पॉइंट, दीज एलिमेंट्स नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू देयर बॉडी पार्ट्स सो दैट दे कैन फंक्शन प्रॉपरली. ये जो एलिमेंट्स हैं, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इसको हर एक बॉडी पार्ट्स में फंक्शन पहुँचाना क्या है, ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, जिससे हर एक बॉडी पार्ट अपना अपना फंक्शन अच्छे से प्रॉपरली कर सके. Hence, all living organisms need a transport system in their body. इसीलिए हर living organism में, चाहे वो plants हो, चाहे animals है, चाहे human beings है, एक transport system चाहिए उनकी body में, वो important है, need है. First is human circulatory system. The circulatory system is a transport system of the human body which consists of a network that supply food, oxygen and other substances throughout the body. तो circulatory system जो है एक transport system है human body का, जिसमें network होता है, उसमें बहुत सारी थी मतलब network मिलके एक human circulatory system बनाते हैं, जो कि आपकी body में food को, oxygen को और जो other substances हैं उसको supply करते हैं आपकी पूरी whole body में. The main parts of circulatory system are, जो मेन पार्ट्स जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो फर्स्ट है इज ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड वन इज हार्ट. सो वी कैन स्टडी द ईच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वन बाय वन. फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज, इट इज अ रेड कलर फ्लूइड दैट फ्लोज इन आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. जो ब्लड है वो एक रेड कलर फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है, जो कि अपने बॉडी में क्या होता है, फ्लोस करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर. फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन होता है. द ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू आउट अवर बॉडी सच एज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं अपन के फूड के डाइजेशन के बाद, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ब्लड है एज ए मीडियम एक्ट करता है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. जो ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरीज करता है कहाँ से, लंग्स से, एंड और उसको पूरी आपकी होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ये जो वेस्ट है आपके बॉडी में, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद, ठीक है, तो उसका रिमूवल करने के लिए कौन यूज होता है, आपका ब्लड. कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लड, ब्लड कैन बी कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. जो ब्लड है में फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा, सेकेंड वन इज आरबीसी, थर्ड वन इज डब्ल्यूबीसी एंड फोर्थ वन इज ब्लड प्लेटिलेट्स. फर्स्ट वन ब्लड प्लाज्मा, द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा. जो लिक्विड सब्सटेंस जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो आपको लिक्विड दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. सेकेंड इज आरबीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. दे आर रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है. आरबीसी आपके रेड कलर के होते हैं क्योंकि एक इसमें स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, स्पेशल कलर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स. जो हीमोग्लोबिन है
वो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, उससे जुड़ के वो आपके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ से सेल्स में जाता है जहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। थर्ड इज WBC। WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर्स अवर बॉडी। जो WBC जो होते हैं ये जर्म से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को जर्म से बचाते हैं जो कि हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं या हो सकते हैं। फोर्थ ब्लड प्लेटलेट्स। दीज आर द सेल्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन इंजरी। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और ये आपके जब आपको इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ्लो को स्टॉप करके उसमें ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स किसके कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ब्लड वेसल्स। अवर बॉडी कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपनी पूरी होल बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ब्लड का हमारी पूरी होल बॉडीज में। अवर बॉडी कंटेन्स टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस दैट दे परफॉर्म। हमारी बॉडी में दो टाइप के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमने उसको किस पर डिपेंड किया है, उसके फंक्शंस पे बेस्ड में उसको दो टाइप में डिवाइड करा है जो कि वो परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स, थर्ड इज पल्मोनरी आर्टरी, फोर्थ इज पल्मोनरी वेन्स एंड फिफ्थ वन इज कैपिलरी। सो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। ओके, इन अ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट डिफरेंस आर्टरीज। दीज ब्लड वेसल्स कैरीड ब्लड फ्रॉम द हार्ट डेट कंटेन ऑक्सीजन इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनका जो आर्टरीज का काम है ये क्या करती है, हार्ट से आपका ब्लड कलेक्ट करती हैं और डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट करती हैं। ठीक है, अब इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ब्लड का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कैरी करती है और आपके जो ऑल बॉडी पार्ट्स है उसमें ट्रांसपोर्ट करती है। वेन्स, दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। अब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है या ऑक्सीजन एब्सेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से कलेक्ट करके हार्ट में देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। सेकेंड, आर्टरीज हैव थिक वॉल एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई इन दीज ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज होती हैं उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मतलब मोटी होती है, क्योंकि इसमें का जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फर्स्ट सेकेंड पॉइंट इन वेन्स, वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल्स एज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट लो इन देम। जो वेन्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक नहीं होती, ज्यादा मोटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्वाइट लो होता है, इतना ज्यादा हाई नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम। ये बहुत ज्यादा नैरो होती हैं, बहुत ज्यादा पतली होती हैं, क्योंकि इनका जो स्पेस होता है उसके बीच में तो वो बहुत ज्यादा पतला होता है, क्योंकि इसमें से जो ब्लड है वो इजिली फ्लो हो सके और जल्दी फ्लो हो सके और ब्लड का प्रेशर हाई हो। थर्ड पॉइंट, दे आर स्लाइटली वाइडर देन आर्टरीज। आर्टरीज के कंपैरिजन में जो वेन्स होती हैं वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, वाइडर होती हैं। फोर्थ पॉइंट इन आर्टरीज, दे डू नॉट कंटेन वेल्व्स एज द ब्लड इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लो इन राइट डायरेक्शन।
ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है आपके ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पंप करता है, प्रेशर बनाता है, इसलिए इसमें कोई भी वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होती है। फोर्थ, वेन्स, दे कंटेन वेल्व्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो वेन्स होती है उसमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके अपोजिट फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि अपोजिट फ्लो ना हो सके। अपोजिट फ्लो का मतलब क्या है, जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से कैरी करके हार्ट में पहुंचाती हैं, तो ऐसा ना हो कि जो हार्ट वाला ब्लड है वो हार्ट में जाके दोबारा आपके सेल्स में चला जाए, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वेल्व प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। पल्स रेट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट। आपका हार्ट कितने बार बीट करता है, ठीक है, आपकी पल्स कितनी बार बीट करती है हर एक मिनट में, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 70-80 बीट्स पर मिनट। द नॉर्मल जो पल्स रेट जो ह्यूमन बीइंग का है वो है 70-80 बीट्स पर मिनट। ओके, देन थर्ड वी विल डिस्कस पल्मोनरी आर्टरीज अंडर आ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग थर्ड ब्लड वेसल्स डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। इट इज अ स्पेशल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स द हार्ट टू द लंग्स। ये एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है जो कि ये हार्ट को किससे कनेक्ट करती है, लंग्स कनेक्ट करती है। इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हैंस इट इज अनलाइक ऑल द अदर आर्टरीज दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक स्पेशल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो कि आपका हार्ट को लंग से कनेक्ट करती है। ठीक है, अब पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो हार्ट से लंग्स को कनेक्ट करती है, तो ये क्या करती है, आपके हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है उसको किसमें पहुंचाती है, लंग्स में पहुंचाती है, हार्ट से लंग्स में पहुंचाती है। ठीक है, अब आपने आर्टरीज में क्या पढ़ा था, आर्टरीज क्या होती है, कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आपको टिश्यूज में पहुंचाती है। ठीक है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसके पीछे आर्टरी लगा है पर उसका काम उल्टा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में पहुंचाना किसका काम है, पल्मोनरी आर्टरीज का। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन्स, इट इज अ स्पेशल ब्लड वेसल्स डेट कनेक्ट लंग्स एंड हार्ट। ठीक है, अब ये स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है जो कि लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है। इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लंग्स से किसमें ट्रांसफर करती है, आपके हार्ट में। Hence, it is unlike all other veins that carry oxygen-less blood, that is called deoxygenated blood. जो अब क्या है, जो pulmonary veins होती हैं, वो exception है, क्योंकि जो बाकी जो veins हैं आपके body में, वो क्या carry करती हैं, oxygenated, deoxygenated blood carry करती हैं, जिसमें oxygen का amount कम है, but वो जो pulmonary veins हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और ब्लड को लंग्स से हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। फोर्थ वन इज कैपिलरीज, स्मॉल फाइन ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो बहुत ज्यादा फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन मतलब और पतली हो जाती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। Here I can explain the circulation of blood in our body. Body में circulation कैसे होता है, ठीक है, अब आपको पता है जो heart है और जो lungs है, ठीक है, तो heart का काम क्या है, pump करना, ठीक है, किसको pump करना है, आपको
जो आपका जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको ट्रांसपोर्ट करना आपकी पूरी बॉडी में, अल्टीमेटली सेल्स में पहुंचाना, और सेल्स से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। अब लंग्स का क्या काम है? लंग्स में क्या होता है, आपका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब सर्कुलेशन हम बनाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन, उसमें हार्ट भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एंड लंग्स भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। अब नीचे होता है हार्ट, उसके ऊपर होते हैं लंग्स। अब लंग्स में दो वेन एंड आर्टरीज जो है उसको कनेक्ट करती है। फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज आपके हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करती है और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और कहाँ पे छोड़ती है, लंग्स में, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड है तो लंग्स में जाके वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैस का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और फिर से ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है किससे, ब्लड में, ठीक है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाता है लंग्स में, तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से किस में आ जाता है, हार्ट में, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है यहाँ पे हार्ट के पास में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा एंड अल्टीमेटली आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा एंड बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद सेल्स में जाएगा और सेल्स में किसके थ्रू जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। अब सेल्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, वो वहाँ जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैन रिलीज द एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो क्या बनाएंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया आपके सेल्स में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फ्लोज होगा, उसको ले जाने का काम कौन करेगी, वेन्स करेंगी, और उसको कहाँ ले जाके छोड़ देंगे, आपके हार्ट में ले जाके छोड़ देंगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंच गया, फिर वापस से हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट में फिर से आ जाएगा, फिर हार्ट से फिर वो सेल्स में जाएगा आर्टरीज के थ्रू, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, फिर से वो वेन्स कैरी करेंगी और वेन्स से कैरी करके हार्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो सर्कुलेशन साइकिल है वो होती रहती है, ठीक है। एक मिनट में कई बार आपकी सर्कुलेशन साइकिल इस तरह से रिपीट होती है। हार्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। The heart is an organ present in our body that pumps the blood in the blood vessels. जो heart है वो एक organ है जो कि आपकी body में blood को pump करता है blood vessels में. Second, it is located in the chest cavity. ये कहाँ located है? Chest cavity में. Third point, its lower part is little tilted towards the left. इसका जो लोअर पार्ट है लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। फोर्थ पॉइंट, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स व्हिच प्रिवेंट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको पता है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट है, तो उसको मिक्सिंग होने से बचाने के लिए उसमें चार चैम्बर्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर में एट्रियम बोलते हैं, विच कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ठीक है। तो ऊपर के तो दो चैम्बर होते हैं उसको हम एट्रिया बोलते हैं, अगर हम प्लूरल में बोल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, उसमें एट्रिया बोलेंगे। अगर सिंगुलर है, सिंगल की बात कर रहे हैं लेफ्ट या राइट की, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एट्रियम, जो कि क्या कैरी करती है, आपका क्या कंटेन करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, जो दो नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दो लेफ्ट एंड राइट के, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, विच कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि क्या कैरी करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हियर आई कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर वेयर यू कैन सी द फर्स्ट इज द ब्लड वेसल पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी आर्टरीज है जो कि आपके लंग्स से कनेक्ट होती है, उसके नीचे क्या है, पल्मोनरी वेन्स, जो कि भी ये भी लंग्स से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पे आते हैं मिल्टन वेव्स,
प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके आउटर फ्लो को क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने को स्टॉप करती हैं। देन आता है आयोटिक वेव्स, ये किस में होती हैं, आपकी वेन्स में होती हैं, क्योंकि जिससे आपका आउटर फ्लो ना हो सके। अब आपका जो ह्यूमन हार्ट है उसमें चार चैम्बर्स होते हैं, अपर राइट है, ये अपर लेफ्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट के जो लोअर चैम्बर है उसका राइट वाला होता है वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वाले भी क्या है, वेंट्रिकल्स, ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब क्या होता है, अब यहाँ है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा से क्या होता है, जो ब्लड है वो अंदर की तरफ जाता है, जहां से आपका ऑक्सीजन क्या होता है, मिक्सअप होती है ब्लड के साथ में। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ह्यूमन हार्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो पढ़ने हैं, जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। द लास्ट पार्ट अंडर दिस टॉपिक इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है, द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली एज इट पम्प्स द ब्लड इन द आर्टरीज। क्योंकि जो हार्ट की जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हार्ट है वो किससे बना है, मसल्स प्रेजेंट होती है हार्ट में, तो वो कंटिन्यूसली हार्ट को रिलैक्स करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ब्लड को पंप करना है किसमें, आर्टरीज में। दिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। ये जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स हार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। The stethoscope is an instrument that is used to listen to the heartbeat of a person. अगर आपको person की heartbeat को measure करना है या listen करना है, सुनना है, तो आप कौन सा instrument use करते हो, stethoscope. Move to a question. Do all animals possess a circulatory system? क्या सारे animals के पास circulatory system present होता है या है? Answer: No. Animals like hydra and sponges do not possess a circulatory system. नहीं, जो animals, for example, जैसे आपकी hydra हैं, sponges हैं, इनके पास circulatory system नहीं होता. These animals live in water, hence get food and oxygen from the water as it enters their body. ठीक है, ये जो animals होते हैं, hydra and sponges हैं, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, एंड पानी से ही उनको क्या मिलता है, फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए इनको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। एज द वॉटर्स कम आउट ऑफ देयर बॉडी, और जैसे ही जो वॉटर को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं वॉटर को अपनी बॉडी से, तो उसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद, और साथ में वेस्ट मटेरियल्स जो कि डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस हुए हैं, उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं वाटर के साथ में। सो इन दिस वीडियो आई कैन एक्सप्लेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली।